आज पुरोहित जी यूं अचानक हम सबको छोड़कर चले जाएंगे, किसी ने सोचा भी नहीं था। उनके चले जाने के पश्चात अब इस परिवार को नए मुखिया की आवश्यकता है। राजपुरोहित जी की अस्थियों के विसर्जन के अगले ही दिन देव बाबू का राज्याभिषेक करना होगा। क्योंकि राजपुरोहित का पद अधिक दिनों तक रिक्त भी तो नहीं रखा जा सकता। काम हो तो मदद करी दे, दिखा इनको कि तू भी अच्छी छोरी है, काम आवेगा। चल कोई माने चाहे ना माने, रिश्ता तो है ही ना। अभी कुछ दिन पहले तो तुमने कन्यादान किया था ही घर में। कन्यादान मैंने मोरी बिटिया राधिका का किए राजेनु की माँ। जानते हैं कि जब बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं थी तो अस्थायी रूप से मैंने ही राजप्रधान का भार संभाला हुआ था, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बाबूजी को मुझ पर पूरा भरोसा था। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने मुझे बुलाया था और कह रहे थे कि एक बार फिर मैं ये सारी जिम्मेदारी संभाल लूं। अब समझ आ रहा, उन्हें पता चल गया था कि उनका अंतकाल आ गया। विराट तो समझ ही नहीं पा रहा कि उसे अपनी जिम्मेदारियों की शुरुआत कैसे करनी पड़ेगी। बेचारे का तो रो रो के बुरा हाल हो गया। आप लोगों ने क्या फैसला किया है कि विराट ही? हम लोग वही बात कर रहे थे कि देव को ही राजपुरोहित जी का अंतिम संस्कार करना चाहिए, क्योंकि हमारे सबके सामने राजपुरोहित जी ने देव को ही अगले राजपुरोहित के रूप में चुना था। लेकिन वो बहुत पुरानी बात हो गई मठाधीश जी, पिछले कुछ दिनों में बाबूजी ने देखा था कि देव राजपुरोहित के काम में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रहा, इसीलिए तो वो चाहते थे कि राजपुरोहित जी ने यदि कोई नया निर्णय लिया होता तो हमें अवश्य सूचित करते। भावी राजपुरोहिताइन से कहिए कि राजपुरोहित जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करें।
मेधावी राजपुरोहिताइन से कहिए कि राजपुरोहित जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। जाकर दादाजी के सामने दिया चला दे। सर पर आ चलने का अब चार लोग अर्थी को कंधा देंगे और अंतिम संस्कार करने वाला सबके आगे अग्नि लेकर चलेगा। मठाधीश जी ने कहा था कि भावी राजपुरोहिताइन को वो दिया जलाना है। वो दिया तुम्हें जलाना था राधिका, पर तुमने भरखा को क्यों जलाने थी? क्योंकि मैंने दादाजी को वचन दिया है। मैं सिर्फ अपना वचन पूरा कर रही हूँ और आशा करती हूँ आप इसमें मेरा साथ देंगे। मेरे दिल में आपके प्रति जो आदर है, जो प्यार है, वो कभी कम नहीं होगा।
राजपुरोहित परिवार का हमेशा से सबसे पहला कर्तव्य रहा है धर्म की रक्षा। बचपन से हमने यही सीखा है और यही करने की प्रेरणा हमें दी जाती है। फिर मरने से कुछ घड़ी पहले मैं इसे भूल जाऊं, ये तो उचित नहीं होगा ना। अब चलो देव, दिवंगत शरीर की अस्थियां कल आकर चुननी है और यहीं घाट पर उनका विसर्जन करना है। मैं थोड़ी देर यहाँ अकेले बैठना चाहता हूँ। आप हमें क्यों छोड़ के चले गए दादाजी, क्यों? आज तक आपने कभी मुझे अनाथ महसूस नहीं होने दिया। मैं आज तुम्हें सचमुच अनाथ हो गया, सचमुच अनाथ हो गया। बुजुर्ग आदमी का सोचे होंगे कि नई बहु रानी घर में आ रही है तो पूड़ी कचौड़ी मालपुआ खावेंगे। पर का पता था कि अब वही बहु रानी के हाथ से हार चढ़ोगा फोटो पर। अब उनको का पता था कि उनके होने वाली बहु इतनी मनहूस होवेगी कि आते ही आते ही उनको ही सबसे पहले खा जावेगी। तो जो चाहिए था वो मिल ही गया ना। अभी सोचूं कि देव बाबू और परखा के ब्याह में तू कहाँ फुदक फुदक के काम कर रही है। सबको तो यही लग रहा था, अरे वाह ये छोरी तो बलिदान की मूर्ति है। पर तो को मुंह से बढ़िया कोई ना जानेगा, पता था ये छोरी जरूर अपना तिरिया चरित्र दिखावेगी। पर बिटिया तोरा ही घर में का होवेगा का ना होवेगा मुँह को ना पता। पर तो से हाथ जोड़ के बिनती, मुँह उठाए के मोरे घरे मत आइए। कम से कम अब तो मोरे बच्चों को छोड़ दे, मोरी चंदा के लिए कोई रिश्ता ना आवेगा। और तोरी तरह चरित्र ही ना है कि किसी दूसरे के ब्याह में घूंघट ओढ़ के बैठ जावे, किसी को कानो कान पता भी ना चले। पर चलन नहीं छेनू की माँ, बदनसीब है ये छोरी, तो भाई तो तुझ जैसी माँ मिली है इनको। काज गिरे छेनू, छेनू के बाप, तुमको अपनी बिटिया में कभी कोई कमी दिखी है जो आज दिखेगी? सबको डस गई छोरी अपनी सुख के खातिर, और राजपुरोहिती भी दांव पे लगी है और अभी हम सबको खावेगी, मनहूस है। अगर मोरी राधिका मनहूस होती तो सबसे पहले तो को खाई होती। तो बचा का है? तुम जिंदा हो ना, बात का शुक्र मनाओ। बचपन से ये देवी जैसी छोरी को कड़वे बोल बोली के इतने पाप किए हैं, उपे का कोई प्राश्चित ना है। चलो क्या रो मत बिटिया, तो
को पता है तेरी माँ का तेरे साथ ऐसे बोलना तेरे लिए कोई नवेली बात ना? नहीं बाबा, माँ को चंदा की चिंता है, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रही है। और बिटिया, मुझको तेरी चिंता, आया तो था तो को लेने, पर मुझको क्या पता कि अभी घर तोरा है। तू इस घर की बहुरिया और जीवन भर तो कोई घर में रह रहे का। नहीं बाबा, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी, मैं वापस आऊंगी। क्या कह रही है बिटिया? समाज के लिए बरखा ही देव बाबू की पत्नी, और समाज सिर्फ बरखा को ही उनकी पत्नी मानेगा, और भाभी राजपुरोहित आइन भी। पर बिटिया, इतने साल बाद तू अपने किसन कन्हैया की पत्नी बनी, और जब कान्हा को अपने कर्तव्यों के लिए जाना पड़ा तो उन्हें अपनी राधिका को छोड़ना पड़ा बाबा। आज मेरे कृष्ण कन्हैया को भी अपने कर्तव्यों के लिए मुझे छोड़ना होगा। मैं इस घर में सिर्फ उस दिन तक हूं जब तक मैं दादाजी को दिया हुआ वचन पूरा नहीं कर लेती। ले लीजिए, कपड़े पहन लीजिए, गीले वस्त्रों में मत रहिए। दादाजी की अस्थि विसर्जन तक आपको यही कपड़े पहनने हैं। यकीन सा नहीं हो रहा है राधिका, कि जिस दादाजी का साया हमेशा मेरे सिर पर रहा है, उनकी चिता को मैं अग्नि देकर आ रहा। देखते ही देखते उनका शरीर राख भी हो गया। शरीर राख हो जाता है, लेकिन उनका साया हमेशा हमारे साथ रहता है। अंतिम संस्कार के समय जब मृत शरीर के आगे एक दीप जलाया जाता है, तो इसी आस के साथ जलाते हैं कि उनका अंतिम आशीर्वाद घर पर ही रहे। पर वो दिया तो तुम्हें जलाना था, पर तुमने बरखा को क्यों बोला कि वो दिया जलाए? तुम जानती हो राधिका, मैं किस दिए के बारे में बात कर रहा हूं। मठाधीश जी ने कहा था कि भावी राजपुरोहिताइन को वो दिया जलाना है। वो दिया तुम्हें जलाना था राधिका, बरखा को नहीं। पर तुमने बरखा को क्यों जलाने दी? क्योंकि मैंने दादाजी को वचन दिया है कि मैं राजपुरोहिती की धरोहर पर आंच नहीं आने दूंगी। मैं सिर्फ अपना वचन पूरा कर रही हूँ, और आशा करती हूँ आप इसमें मेरा साथ देंगे।